Let A, B, C be three distinct complex numbers such that mod of A is equal to mod of B is equal to mod of C is equal to mod of B plus C minus A is equal to 1. Then 3 minus mod of B plus C is equal to. तो अब ये question numerical है. तो obviously इसमें numerical approach use करेंगे हम यहाँ पे. तो हमें क्या given है कि mod of A is equal to mod of B is equal to mod of C is equal to 1 है. It means ये तीनों के तीनों point क्या हैं? Mod Z is equal to 1 वाले सर्कल पे है. एक कॉम्प्लेक्स नंबर z जिसका मॉडुलस क्या है 1 है. अब एक और कंडीशन हमें गिवन है, वो क्या है? मॉडुलस ऑफ b plus c minus a, ये क्या है? इक्वल टू 1 है. तो अब हम क्या करते हैं, हम ऐसे mod z is equal to 1 वाली वैल्यू लेते हैं जो इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो अगर मैं यहाँ पे b को क्या लूं, अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं b को यहाँ पर ले लूं इक्वल टू आयोटा, c को ले लूं यहाँ पे मैं इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा, एंड ए को ले लूं मैं इक्वल टू 1, तो क्या ये हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं? यस, तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं. अब अगर ऐसा है तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 3 माइनस मोड ऑफ बी प्लस सी की, विच इज इक्वल टू 3 माइनस मोड ऑफ बी इज आयोटा, फिर सी इज माइनस आयोटा, तो 3 माइनस आयोटा इज 3, तो आ जाएगा इक्वल टू 3. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू 3.